हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे पालक के पकोड़े। ये पकोड़े खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक मुट्ठी पालक ले ली है। पालक को हमने 3-4 पानी से अच्छी तरह से धो लिया है और धो करके पालक को हमने देखिए इस तरह से काट लिया है। तो सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे। अब इसमें हम इस पालक को डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें डाल देंगे 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 4 से 5 चम्मच बेसन डाल देंगे, 1/4 स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसे हाथ से अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो इसमें 2 से 3 चम्मच चावल का आटा भी डाल सकते हैं। तो अब 15 मिनट हो चुके हैं, तो गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे तेल। फूल आंच पे तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो अब तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, इसे हम एक बार मिला देंगे। अब इसमें हम पकौड़े को डालते जाएंगे। देखिए इस तरह से हम लेंगे और इस तरह से हम इसमें डाल देंगे। जितना इसमें आ सके उतना हम इसमें डाल देंगे। तुरंत इसे टच नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद इसे पलट देंगे। अब गैस यहाँ पर मीडियम कर देंगे और इसे पलट देंगे। और इसे दोनों तरफ से गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। फिर से इसे पलट देंगे। तो अब ये दोनों तरफ से गोल्डन क्रिस्पी हो चुके हैं, तो अब इसे हम निकाल लेंगे। फिर से गैस यहाँ पर फुल कर देंगे। इसी तरह हम सभी पकौड़े बना लेंगे। तो आप भी अपने घर पर इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो
इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।